हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट कैपिटल सीएम एंड गवर्नर। अभी कुछ मंथ पहले ही विधानसभा इलेक्शन हुए थे, जिससे सीएम एंड गवर्नर भी चेंज हुए हैं कुछ स्टेट्स के। सो ये वीडियो बिल्कुल अपडेटेड वीडियो है एंड ये बेसिक से इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सभी को पता एंड याद होना चाहिए। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो अब इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर को भी अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है एंड दादर नागर हवेली एंड दमन दीव को कंबाइन कर दिया गया है, दोनों को मर्ज कर दिया गया है। सो टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज अब हो गई हैं और पहले कितनी थी, 7 थी, राइट। सो आज का जो फर्स्ट स्टेट है वो है पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है श्री भगवंत सिंह मान और गवर्नर है श्री बनवारी लाल पुरोहित। सो अब किसकी बात हो रही है यहाँ पर, पंजाब की, और पंजाब की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। और जो सीएम इसके बनाए गए हैं ना, वो अभी न्यू अपॉइंट हुए हैं, कौन, श्री भगवंत सिंह मान, और ये कौन सी पार्टी के हैं, आप पार्टी के हैं, ठीक है। अब हमें कैसे ध्यान रखना है ना, यहाँ क्या लिखा है, जॉब। अब पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, तो ये तो हम सभी जानते हैं, ओके, क्योंकि ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये सब जितने भी स्टेट्स लिखे हैं ना 5th नंबर तक, ये कुछ ना कुछ वजह से न्यूज़ में आते ही रहते हैं, ओके। सो इनकी कैपिटल डेफिनेटली आप लोगों को पता ही होगी। अब क्या लिखा है ना, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, तो हमें कैसे ध्यान रखना है, यहाँ क्या लिखा है ना, जॉब, पंजाब यानी कि जॉब, ओके। सो अगर आप किसी की जॉब लग जाएगी ना, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले किसको ध्यान करेगा, भगवान को ध्यान करेगा, सबसे पहले भगवान को ध्यान करेगा। अब भगवान के पास जाके क्या बोलेगा, हे भगवान, आपने ना मेरी लाइफ बना दी, आपने मेरी लाइफ बना दी, यानी कि बनवारी लाल पुरोहित, ओके। सो हमारी ट्रिक में ना, जो फर्स्ट पॉइंट जो आएगा वो होगा सीएम, और जो उसके नेक्स्ट वर्ड आएगा वो हम रिलेट करेंगे गवर्नर से, ठीक है। सो जॉब लगते ही ना भगवान को याद किया, और भगवान को याद करके उनके पास गए और क्या बोला, भगवान आपने मेरी ना लाइफ बना दी, तो भगवान यानी कि श्री भगवंत सिंह मान, और आपने मेरी ना लाइफ बना दी, तो बनवारी लाल पुरोहित, ओके। सो बस आपको पंजाब में जॉब वर्ड देखना है और ऑटोमेटिक आपको ये दोनों चीज़ें ना बिल्कुल याद आ जाएंगी, अगर ये क्वेश्चन कहीं पर आता है तो, ओके। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, शिमला। चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ओके। अब इसकी बात हो रही है ना हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, शिमला। अब हम जब हिमाचल पे चले जाते हैं ना, या कहीं हिमालय पे चले गए, तो वहाँ पे ना सिम तो वैसे ही काम नहीं करता है, तो बस इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, शिमला, ओके। अब क्या लिखा है ना, जयराम ठाकुर है इसके सीएम। अब यहाँ पे क्या है, हिमाचल, तो माचल यानी कि क्या ध्यान रखना है हमें, माचल, ओके। तो घर से निकलते टाइम ना, घर से निकलते टाइम माँ को क्या बोला जाता है, बाय माँ, टाटा माँ, है ना, बाय बाय और टाटा माँ कहते हैं। लेकिन पहले के लोग क्या कहते थे, जय राम ठाकुर कहते थे, जय राम जी की, तो जय राम जी की, यानी कि माँ को घर से निकलते टाइम क्या कह रहे हैं, जय राम जी की, यानी कि सीएम कौन हो जाएंगे, जय राम जी की। और फिर माँ का कहेगी, अरे मेरा पुत्र, तेरा कल्याण हो, तेरा विश्व में कल्याण हो, तेरा विश्व में राज हो, विश्व में राज हो, यानी कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ओके। तो बस आपको क्या देखना है, हिमाचल प्रदेश, तो माँ चल, तो माँ से चलते टाइम, घर से निकलते टाइम हम क्या कह रहे हैं, जय राम जी की माँ, तो माँ क्या कह रही है, अरे मेरा पुत्र, तेरा विश्व में राज हो, विश्व में राज हो, यानी कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ओके। नेक्स्ट है हरियाणा, और हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। सीएम है मनोहर लाल खट्टर एंड गवर्नर है श्री बंडारू दत्तात्रेय। क्या लिखा है ना, हरियाणा, तो हरियाणा यानी कि कैसे ध्यान रखना है हमें, हरियप, है ना, तो हरियप हम कब कहते हैं, कि जब हमें कोई चीज़ की बहुत जल्दी होती है, तो क्या कह रहे हैं, हरियप, वरना तुम हार जाओगे, वरना तुम हार जाओगे, और फिर बहुत ज़्यादा डांट लगेगी। तो एग्जाम में अगर हार गए ना, फेल हो गए, तो बहुत ज़्यादा डांट लगेगी, सो जल्दी करो, ओके। सो हरियप से हमें क्या ध्यान रखना है, कि हार जाओगे, सो मनोहर लाल खट्टर हो जाएंगे सीएम, वरना डांट पड़ेगी, एंड श्री बंडारू दत्तात्रेय क्या हो जाएंगे, गवर्नर, ओके। सो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर एंड गवर्नर है श्री बंडारू दत्तात्रेय, राइट। नेक्स्ट है राजस्थान, एंड राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। सीएम है अशोक गहलोत एंड गवर्नर है कलराज मिश्र। अब राजस्थान को ना राजाओं का घराना कहा जाता है, कि वहाँ पे राजा महाराजा ना बसा करते थे, तो हमें बस क्या, कैसे रिलेट करना है, कि जो अशोक राजा था ना, वो भी राजस्थान का ही रहने वाले थे, यानी कि वो राजस्थान में ही राज करते थे। तो कैसे ध्यान रखना है, कि राजा, तो राजा कौन, अशोक, तो जैसे आप ऑप्शन में देखोगे ना अशोक, तो अशोक राजा थे, तो अशोक राजा राजस्थान में राज करते थे, सो कलराज मिश्र, ओके। सो अशोक गहलोत हो गए सीएम एंड गवर्नर हो गए कलराज मिश्र, राइट। नेक्स्ट है यूपी, एंड यूपी की कैपिटल है लखनऊ, और इसके सीएम है योगी आदित्यनाथ एंड गवर्नर है आनंदी बेन पटेल। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, यूपी की, तो यूपी की कैपिटल है लखनऊ, ये भी आपको पता ही होगा। और जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, ये फिर से रीअपॉइंट हो गए हैं, क्योंकि ये फिर से इलेक्शन जीत गए हैं, ठीक है। सो हमें ध्यान रखना है यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ। तो योगी से हमें क्या ध्यान रखना है ना, योगा,
ओके। योगा करते टाइम ना हम अपने हाथों को क्या करते हैं, हाथों को ऊपर नीचे करते हैं, यानी कि अप डाउन करते हैं। तो अप यानी कि यूपी के सीएम कौन हो गए, योगी आदित्यनाथ। और योगा करने के बाद ना बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा आनंद लगता है योगा करने के बाद, यानी कि आनंदी बेन पटेल, राइट। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, एंड छत्तीसगढ़ के कैपिटल क्या है, रायपुर। इसके सीएम है भूपेश बघेल, एंड गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके। अब किसके बात हो रही है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से कैसे ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ यानी कि छत, ओके। तो छत पे ना क्या रखा हुआ है, राई रखा हुआ है। और मम्मी चिल्ला रही है ना, मम्मी छत से चिल्ला रही है, छत पे राई रखा है धूप में, तो धूप और धूप मिलो क्या कहते हैं, सुनाई दे रहा है। छत पे राई रखी है धूप में, सुनाई दे रहा है, तो धूप में यानी कि धूप, भूप। सो भूपेश बघेल और सुनाई यानी कि अनसुईया उइके, ओके। सो छत्तीसगढ़ के कैपिटल क्या हो गई, रायपुर। चीफ मिनिस्टर हो गए भूपेश बघेल, एंड गवर्नर हो गए अनुसुईया उइके, ओके। सो आपको बस क्या ध्यान रखना है ना, छत्तीसगढ़ यानी कि छत, ठीक है। तो छत का यूज़ क्यों होता है, कोई चीज़ सुखाने के लिए, कपड़े डालने के लिए, है ना, गमले रखे रहते हैं। सो छत का यूज़ किस लिए हो रहा है, सुखाने के लिए, क्या, राई सुखाने के लिए, भूप यानी कि धूप में। मम्मी लोग क्या बोलती है, सुनाई दे रहे ना, छत पर राई रखी है, भिगा मत देना। सो अनुसुईया उइके, ओके। नेक्स्ट है उत्तराखंड, एंड उत्तराखंड के कैपिटल है देहरादून। सीएम है पुष्कर सिंह धामी, एंड गवर्नर है गुरमीत सिंह, ओके। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, उत्तराखंड की। सो उत्तराखंड को क्या कहा जाता है, वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, यानी कि फूलों की घाटी कहा जाता है। सो उत्तराखंड में ना हर खंड में ढेरों फूल है, हर खंड में ढेरों फूल, तो ढेर यानी कि देहरादून, ओके। और हर खंड में फूल है, इनके पुष्प हैं, सो पुष्प पुष्प, तो पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे सीएम। और ये जो फूल है ना, कहाँ पे चढ़ाए जाते हैं, गुरु को चढ़ाया जाता है। सो गुरु या भगवान को, यानी कि गुरमीत सिंह हो जाएंगे यहाँ के गवर्नर, ओके। सो स्टेट कौन सा है हमारा, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से क्या ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा फूल पाए जाते हैं, हर खंड में फूल, ढेरों फूल, तो कैपिटल हो जाएगी देहरादून। और पुष्प पाए जाते हैं यानी कि पुष्कर, और किसको चढ़ाया जाता है, पुष्प गुरु को यानी कि गुरमीत सिंह, राइट। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, एंड मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, एंड गवर्नर है मंगूभाई चंगूभाई पटेल। अब किसकी बात हो रही है, फिर से मध्य प्रदेश स्टेट ना कौन रहते हैं, शिवजी रहते हैं, यानी कि सारे भगवान के सेंटर में कौन है, शिवजी। और सारे भगवान इनकी पूजा करते हैं, और शिवजी बाकी भगवान जी लोगों की करते हैं, यानी कि अब शिव जी की पूजा ना हर कोई करता है, चाहे वो चंगू मंगूई क्यों ना हो, तो हर कोई करता है, चाहे वो चंगू मंगूई क्यों ना हो। सो मंगू भाई चंगू भाई पटेल, ओके। सो सीएम कौन हो जाएगा, शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर कौन हो जाएंगे, मंगू भाई चंगू भाई पटेल। अब ना कहीं पे अगर अलार्म लगा रहता है, यानी कि भोपू लगा रहता है ना, तो वो शहर के मध्य में ही लगाया जाता है, बिल्कुल सेंटर में, ताकि पूरे स्टेट में, पूरे शहर में अच्छे से सुनाई दे। तो मध्य में क्या लगाया जाएगा, भोपू। सो इसकी कैपिटल इजिली क्या हो जाएगी, भोपाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, एंड महाराष्ट्र के कैपिटल है मुंबई। चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, एंड गवर्नर है भगवंत सिंह कोश्यारी। अब फिर से किसकी बात हो रही है, महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र मतलब महान राष्ट्र, ओके। सो महाराष्ट्र को वैसे ही महान राष्ट्र कहा जाता है, इसकी कैपिटल क्या है, मुंबई, और ये भी सभी जानते हैं क्योंकि बहुत फेमस है। अब चीफ मिनिस्टर कौन है ना, उद्धव ठाकरे हैं। तो महान राष्ट्र का ना जो भी चीफ मिनिस्टर होगा, बहुत ज़्यादा उद्धम होगा, यानी कि उससे सब लोग ना दब के रहते होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा दम होगा, तो दब के रहते होंगे इनकी, उद्धव ठाकरे, ओके। और जो भी यहाँ का सीएम होगा ना, उससे सब दब के रहते होंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होशियार होगा, तो होशियार इनकी कोश्यारी। सो गवर्नर कौन हो जाएगा, भगवंत सिंह कोश्यारी। सबसे पहले हमने रिलेट किया महाराष्ट्र, ओके। सो महाराष्ट्र यानी कि महान राष्ट्र, जो भी सीएम यहाँ का होगा ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा दम होगा, और सब उससे दब के रहते होंगे, दब के यानी कि उद्धव ठाकरे, और क्योंकि वो बहुत होशियार होगा, सो भगवान सिंह कोश्यारी, राइट। नेक्स्ट है गोवा, एंड गोवा की कैपिटल है पणजी। सीएम है प्रमोद सावंत, एंड गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। अब फिर से किसकी बात हो रही है ना, गोवा की। तो गोवा में लोग क्यों जाते हैं, मज़े करने जाते हैं ना, गोवा में लोग मज़े करने जाते हैं अपनी छुट्टियों का। तो गोवा में क्या पाया जाता है ना, सिर्फ पानी ही पानी है वहाँ पे, तो पानी यानी कि गोवा की कैपिटल क्या हो जाएगी, पणजी, ओके। सीएम है प्रमोद सावंत। अब लोग ना वहाँ पे मज़े करने जाते हैं, तो मज़े करने जाते हैं यानी कि आनंद करने जाते हैं। और आमोद प्रमोद, तो आमोद प्रमोद मतलब क्या होता है, हंसना, तो हंसना खेलना कूदना, ठीक है, तो मज़े करने गए, तो गोवा यानी कि आमोद प्रमोद, सो प्रमोद सावंत, ठीक है। और वहाँ पे लोग ना इतने मज़े करते हैं कि उस मज़े मज़े में ना कुछ भी खा पी लेते हैं, तो कुछ भी खा पी लिया तो यानी कि पीएस श्रीधरन पिल्लई, ओके। सो गोवा की कैपिटल हो जाएगी पणजी, सीएम हो जाएंगे प्रमोद सावंत, एंड गवर्नर हो जाएंगे पीएस श्रीधरन पिल्लई। आई होप आप लोगों को याद हो रहा होगा, ओके। नेक्स्ट है गुजरात, एंड गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, और सीएम है इसके भूपेंद्र पटेल, एंड गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अब किसकी बात हो रही है ना, गुजरात। तो गुजरात से हमें क्या ध्यान रखना है ना, कि गुजरात यानी कि गुजारा, ओके।
सब कोई क्या कह रहे हैं ना कि सिर्फ धूप और इंद्र से, यानी कि भूपेंद्र, धूप और इंद्र से ना सिर्फ गुजारा नहीं होगा, खाना भी चाहिए गुजारा करने के लिए। तो खाना, खाने में क्या आता है? अचार। सो अचार यानी कि आचार्य देवव्रत। ओके, सो हमें कैसे ध्यान रखना है कि गुजारा करने के लिए ना सिर्फ भूपेंद्र यानी कि धूप और इंद्र नहीं चाहिए। सिर्फ धूप मिलते रहे, इंद्र मिलते रहे, तो पानी और धूप काम करेंगे क्या जब तक खाना नहीं मिलेगा? सो खाना, तो खाने में क्या आता है? अचार है, यानी कि आचार्य देवव्रत। ओके, सो गुजरात के सीएम एंड गवर्नर कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र पटेल एंड आचार्य देवव्रत, राइट। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, एंड वेस्ट बंगाल के कैपिटल है कोलकाता, सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। ओके, अब किसकी बात हो रही है? वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। तो वेस्ट यानी कि बेस्ट। सो कुछ लोगों को ना कोल्ड ड्रिंक्स में ना कोका कोला बहुत पसंद आती है, सबसे बेस्ट लगती है, तो बेस्ट क्या लग रही है? कोका कोला यानी कि कोलकाता। ओके, सो क्योंकि अब बात हो रही है वेस्ट बंगाल की, सो वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, अब ममता बनर्जी को सभी लोग जानते हैं क्योंकि एक ऐसा ही स्टेट है जहाँ पे ये फीमेल सीएम है, राइट, और गवर्नर कौन है ना? जगदीप धनखड़। सो अब जब भी ना, जब जब ये जीती हैं, बहुत टाइम से यही जीती हुई आ रही हैं, तो जब जब ये जीती है ना, तो लोग क्या कहते हैं वहाँ के, इनके फैंस क्या कहते हैं? चक दे, चक दे। तो चक दे यानी कि जगदीप धनखड़। ओके, सो वेस्ट बंगाल की कैपिटल हो जाएगी कोलकाता, सीएम हैं ममता बनर्जी एंड गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, राइट। नेक्स्ट है उड़ीसा, और उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। अब यहाँ पे क्या लिखा है ना? उड़ीसा, उड़ीसा दिशा। तो हमें कैसे ध्यान रखना है? डिश। ओके, सो कोई डिश हम बनाते हैं ना, तो क्यों बनाते हैं? ताकि हम दूसरे को ना इम्प्रेस कर पाएँ, है ना। और डिश कैसे बनाते हैं? नई नई डिश बनाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग टाइप की यूट्यूब से देख के, है ना। तो डिश बनाने की कोशिश करते हैं नए नए, ताकि दूसरे को ना इम्प्रेस कर पाएँ। तो किसे इम्प्रेस करना चाह रहे हैं? गणेश जी को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं लड्डू बना के। तो हमें कैसे ध्यान रखना है? डिश क्यों बनाई? ताकि ना हम इम्प्रेस करें, इम्प्रेस कर सके, है ना, ताकि हम किसी को ना भा जाएं। तो भा जाएं यानी कि भुवनेश्वर। ओके, और डिश कैसे बनाते हैं? नई नई, नवीन, सो नवीन पटनायक, ताकि ना जो हम नए प्रकार का लड्डू बना रहे हैं ना, वो गणेश जी को भा जाए, सो गणेशी लाल। ओके, सो बस हमें कैसे ध्यान रखना है ना, उड़ीसा से हमें रिलेट करना है डिश को। और डिश कैसे बनाते हैं? नई नई यानी कि नवीन पटनायक। अब वो डिश क्या है ना, एक तरीके से ना लड्डू है, तो लड्डू किसको चढ़ाते हैं? गणेश जी को। तो गणेश जी के लिए लड्डू बन रहा है, सो गवर्नर हो जाएंगे गणेशी लाल। ओके, नेक्स्ट है बिहार, एंड बिहार की कैपिटल है पटना, और सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। अब किसकी बात हो रही है? बिहार की, है ना। तो बिहार यानी कि हार। तो बिहार के जो सीएम होंगे ना, वो क्या कहते हैं? भैया हमें यहाँ से ना हारना नहीं है, हमें नहीं हारना है, हमें सबको पटा के रखना है। तो सबको पटा के रखना है, तो कैपिटल क्या हो जाएगी? पटना। सो ये ऐसी नीति बनाते हैं ना, तो नीति यानी कि नीतीश कुमार, तो ये ऐसी नीति बनाते हैं ताकि जितने भी फालतू लोग हैं इलेक्शन से बाहर हो जाए। तो फालतू फागू, फालतू फागू। ओके, तो बस बिहार की कैपिटल क्या हो जाएगी? पटना। सीएम हो जाएंगे नीतीश कुमार और गवर्नर कौन है? फागू चौहान, राइट। नेक्स्ट है झारखंड, एंड झारखंड की कैपिटल है रांची, चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन एंड गवर्नर है रमेश बैस। अब किसकी बात हो रही है ना? झारखंड की। सो झारखंड से हमें क्या याद रखना है? झाड़ फूक करने वाले, है ना, झाड़ फूक करने वाले। सो अगर किसी पे ना भूत वूत आ गया, तो सबसे पहले भाग करके ना किसे बुलाएंगे? झाड़ फूक वाले को। तो झाड़ फूक वाले को बुलाएंगे रन करके। तो कैपिटल क्या होगी? रन करके बुलाएंगे यानी कि रांची। और झाड़ फूक वाला जब आ जाएगा ना, तो वो कहाँ पे लेके जाएगा? माँ के शरण में लेके जाएगा। तो हेमंत सोरेन, तो माँ के शरण यानी कि हेमंत सोरेन, ठीक है, ताकि ना भूत भगवान के शरण में बहस ना कर पाए। तो बहस ना कर पाए यानी कि रमेश बैस। ओके, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, एंड आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, चीफ मिनिस्टर है वाईएस जगन मोहन रेड्डी एंड गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रा। अब किसकी बात हो रही है ना? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश यानी कि अंधेरा, और अंधेरा कब होता है ना? रात में होता है। तो अमरावती, रति रति रात। सो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगी? अमरावती, ठीक है। चीफ मिनिस्टर कौन है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी। सो ना मम्मी लोग क्या कहते हैं? अंधेरे में उठ के पढ़ा करो, जब सुबह चार पाँच बजे ना, तब उठ के पढ़ा करो, है ना। तो हाथ मुंह धो के रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, रात में पढ़ो, तो रेडी हो जाओ। सो वाई एस जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रा। फिर मम्मी लोग कहते हैं ना, रात में उठ के यानी कि 4-5 बजे उठ के रेडी होके पढ़ो, जिससे तुम्हारा विश्व में नाम होगा। तो विश्व में नाम होगा, सो विश्वभूषण हरिचंद्रा। ओके, सो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, चीफ मिनिस्टर है वाई एस जगनमोहन रेड्डी एंड गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रा। नेक्स्ट है तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, चीफ मिनिस्टर है एम के स्टैलिन एंड गवर्नर है आर एन रवि। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? तमिलनाडु। ओके, सो तमिलनाडु से क्या याद रखना है हमें? मिल। ओके, सो जब हमें चैन नहीं मिलता है ना, तो हम अपने मनपसंद लोगों से मिलने जाते हैं, है ना। तो
जब हम उनसे मिल लेते हैं तो हमें चैन मिल जाता है। तो चैन कब मिलता है? उनसे मिल के। तो मिल के यानी कि एम के स्टैनलिन। फिर मिलने के बाद लगता है ना, अरे लग रहा है ना रब से मिल लिए, अरे यार बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा है रब से मिल लिए। सो आर एन रवि। ओके, तो तमिलनाडु से हमें इतने क्या उठाया? मिल को उठाया, मिल को रिलेट किया कि मिलने के बाद चैन आया, तुम एम के स्टैलिन हो गए चीफ मिनिस्टर, और जैसे लगा कि रब से मिल गए, और आर एन रवि रब। ओके, सो गवर्नर हो गए आर एन रवि, राइट। नेक्स्ट है कर्नाटका, एंड कर्नाटका की कैपिटल है बैंगलोर, चीफ मिनिस्टर है बसवराज बोम्मई, एंड गवर्नर है थावरचंद गहलोत। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कर्नाटका। सो यहाँ क्या लिखा है ना, कार, यहाँ क्या है बंक यानी कि बंगला, और यहाँ क्या है ना बसवा यानी कि बस, और यहाँ क्या टावर यानी कि टावर। ओके, सो अगर ना किसी के पास कार है, बंगला है, बस भी है, और उसके प्लॉट में टावर भी लगा है, तो भाई बस उसी का राज है, तो बस तो अब उसी का राज, उसको और क्या चाहिए, है ना। तो कर्नाटका की कैपिटल होगी बैंगलोर, और उसके पास बंगला भी है, बस भी है, तो बसवा राज बोम्मई, और भैया उसके प्लॉट में टावर भी लगाए, तो थावरचंद गहलोत हो जाएंगे गवर्नर, राइट। नेक्स्ट है तेलंगाना, एंड तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, एंड गवर्नर है तमिल साई सौंदराजन। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना, तेलंगाना, और हैदराबादी बिरयानी बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोगों ने सुनी होगी, अरे हैदराबादी बिरयानी है ना, तो तेलंगाना, तो हैदराबादी बिरयानी ना किस में ही बनाई जाती है? तेल में ही बनाई जाती होगी, तो उसकी सब्जियों को किस में छाना जाता है? तेल में, ठीक है। तो हमें ना इस तेल से रिलेट करके सब कुछ ध्यान रखना है। अब क्या लिखा है? तेल। ओके, तो तेल में क्या बनाई जाती है? हैदराबादी बिरयानी। ओके, सो कैपिटल क्या हो जाएगी? हैदराबाद। अब उस बिरयानी के लिए ना सब्जियों को छाना जाता होगा, और उसमें राई वगैरह मिलाई जाती होगी, तो सब्जियों को छानना यानी कि चंद्रशेखर राव, और क्या मिलाया जाता है? राई। तो मिलाया राई यानी कि मिल साई, मिल राई। सो तमिल साई सौंदराजन हो जाएंगे तेलंगाना के गवर्नर। ओके, नेक्स्ट है 20 केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, एंड चीफ मिनिस्टर है पिनियरी विजयम, एंड गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? केरला की। तो केरला से अभी हमें कैसे ध्यान रखना है? केरल यानी कि रेल, और रेल से कहाँ जाते हैं? तो रेल से ना तिरुपति बालाजी जाते हैं, तो बस तिरुपति बालाजी यानी कि तिरुवनंतपुरम। ओके, अब नेक्स्ट हमें कैसे ध्यान रखना है? केरला यानी कि करेला, एंड करेला को ना कहाँ उगाया जाता है? तो करेला को क्यारी में लगाया जाता है, उसके बीच को, तो क्यारी यानी कि पिनियरी क्यारी, तो पिनियरी विजयम। और जैसे जैसे उसकी बेल बढ़ती जाती है ना, तो उसकी बेल को कहाँ चढ़ाना पड़ता है? छत पे चढ़ा दो यानी कि रूफ पे चढ़ा दो, तो आरिफ मोहम्मद खान, तो रूफ रिफ। ओके, सो केरला की कैपिटल हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे पिनियरी विजयम, एंड गवर्नर हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है मेघालय, एंड मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, चीफ मिनिस्टर है कोनराड संगमा, एंड गवर्नर है सत्यपाल मलिक। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मेघालय। सो यहाँ क्या लिखा है ना, मेघ, मेघ मतलब बादल और बारिश, और जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी ना लंबे टाइम तक, यानी कि शिलोंग लंबे टाइम तक, तो क्या होगा? रोड पूरी जाम हो जाएगी। रोड पूरी जाम हो गई ना, तो जो भी हाथ में माल लिया है ना उसको लेके ना रोड को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, यानी कि जो भी माल लिया है हाथ में उसको लेके रोड क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो बस कैसे ध्यान रखना है? मेघ यानी कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई ना लंबे टाइम तक, लंबे यानी कि लॉन्ग, सो कैपिटल हो जाएगी शिलोंग, सो रोड हो जाएगा जाम यानी कि कोनराड संगमा, और रोड जाम हो गया ना तो जो हाथ में माल लिया है उसको लेके रोड क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो माल यानी कि मलिक, माल मलिक, तो सत्यपाल मलिक हो जाएंगे इसके गवर्नर। ओके, नेक्स्ट है असम, एंड असम की कैपिटल है दिसपुर, चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है जगदीश मुखी। अब किसकी बात हो रही है ना? असम की। तो असम को हमें किससे रिलेट करना है? असम यानी कि आम। सो दो फ्रेंड्स हैं ना, तो उनमें से एक फ्रेंड कह रहा है यार चल ना आम तोड़ने चलते हैं, तो एक कह रहा है इस दिशा में आम मिलेगा, इस दिशा में अच्छे आम मिलेंगे, तो इस दिशा में यानी कि दिसपुर हो जाएगी इसकी कैपिटल। फिर दूसरा कह रहा है ना यार हिम्मत है आम तोड़ने की, अगर कोई जग गया ना तो बहुत कुटाई होगी, अगर कोई जग गया। सो असम की कैपिटल हो जाएगी दिसपुर, और हिम्मत चाहिए यानी कि हेमंता बिस्वा, अगर कोई जग गया यानी कि जगदीश मुखी, तो बहुत कुटाई होगी। ओके, सो आई होप आप लोग को समझ और याद भी हो रहा होगा साथ में। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, एंड गवर्नर है बीडी मिश्रा। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे ना? अरुणाचल। तो फिर से हमें कैसे ध्यान रखना है ना? अनु है ना, तो अनु ना अपने नगर के ना प्रेम मंदिर में जाना चाहती है। अब रियल में प्रेम मंदिर कहाँ है? मथुरा में है, ठीक है। तो प्रेम में जाना चाहती है यानी कि प्रेम मंदिर जाना चाहती है, भगवान को ना मिश्री चढ़ाने। सो अनु क्या कर रही है? अपने नगर में जा रही है प्रेम मंदिर में, भगवान को मिश्री चढ़ाने। तो बस कैपिटल क्या होगी अरुणाचल प्रदेश की? ईटानगर, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू, एंड गवर्नर बीडी मिश्रा, राइट। नेक्स्ट है त्रिपुरा, एंड त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला,
चीफ मिनिस्टर है विप्लव कुमार देव एंड गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अब फिर से किसकी बात हो रही है ना, त्रिपुरा, तो त्री यानी कि त्राय, त्राय यानी कि तीन, तो किसी चीज की ना बात हो रही है, तो किसकी बात हो रही है ना, तीन ताले की, तीन ताला यानी कि अगरतला। सो कैपिटल क्या हो गई, अगरतला। सो घर वाले कह रहे हैं ना कि अरे यार सही से ताला लगाना, तीन तिल ताला लगाना, वरना अगर डिब्बा खो गया ना तो फिर बुलवाते रह जाना सबसे सत्य। तो बोल रहा है फिर कोई सत्य कि किसने लिया डिब्बा, किसने लिया अगर चोरी हो गया तो बस ताला कहाँ लगाना है, तीन ताले लगाने हैं। तो अगरतला कहाँ पे, देव में यानी डब्बे में। सो विप्लव कुमार देव अगर खो गया ना तो भैया बुलवाते रह जाना सत्य, तो सत्यदेव नारायण आर्य ओके क्या हो जाएंगे, त्रिपुरा के गवर्नर, राइट। नेक्स्ट है मिजोरम एंड मिजोरम की कैपिटल है ऐजवाल, चीफ मिनिस्टर है जोरम थंगा, गवर्नर है डॉक्टर हरी बाबू कमावती, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, मिजोरम, ठीक है। अब मिजोरम तो जोर, अब कुछ बच्चे हैं ना वो अपना जोर आजमा रहे हैं, तो जोर आजमा रहे हैं यानी कि वॉल पे जोर दिखा रहे हैं, तो वॉल पे जोर तो दिखा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ उसमें से ना हार गए, कह रहे हैं कंबखत में हार गया, कंबखत में हार गया, लेकिन कह रहे हैं ना मुझे कम मत समझना, मुझे कम मत समझना यानी कि कम भामा दती, ठीक है, कम भामापति, मुझे कम मत समझना। सो मिजोरम के कैपिटल जोर किस पे दिखा रहे हैं, वॉल पे यानी कि ऐजवाल ओके, जोर दिखा रहे हैं यानी कि जोरम थंगा, फिर क्या कह रहे हैं ना मुझे कम मत समझना, कम बखत लेकिन मैं हार गया, तो कम बखत यानी कि डॉक्टर हरी बाबू कम भामापति ओके। नेक्स्ट है मणिपुर एंड मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह एंड गवर्नर है ला गणेशन। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे ना, मनी ओके। सो अब जिसके पास ना मनी नहीं है ना तो उससे पूछो उसका क्या हाल है, तो हाल ना बिल्कुल बेहाल है, तो उससे पूछो हाल यानी कि इम्फ हाल, तो उसका हाल कैसा है ना, वो बिल्कुल बेचारा बेरानों की तरह घूमता रहता है, कभी कभी गाना गा लेता है यानी कि गणेशन, तो गणेशन ओके। सो जिसके पास मनी नहीं है ना तो उसका हाल पूछो क्या है, तो यानी कि कैपिटल हो गया इम्फ हाल, और उसका हाल कैसा है, बिल्कुल बेरानी की तरह इधर उधर घूमता रहता है, तो चीफ मिनिस्टर हो गए बीरेन सिंह, और गाना गा गा के बेचारा पैसे कमा लेता है कभी कभी, तो गवर्नर हो जाएंगे ला गणेशन, ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा था क्या कि उड़ीसा के गवर्नर क्या है, गणेशी लाल। सो वहाँ पे हमने डिस से रिलेट किया था, उनका नाम ही शुरू हुआ था गणेशी लाल, यानी कि पूरा पूरा गणेश जी थे, तो गणेश जी को लड्डू बना के डिश के फॉर्म में चढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे क्या है ला गणेशन, ठीक है। सो गणेशन से पहले भी ना ला गणेशन है, तो वो ना बिरानी की तरह घूमते रहता है, और जब गाना गाता है ना तो कहता है, तो क्या कहते हैं, अरे मेरे पैसे लाओ, मेरे पैसे लाओ। सो ला गणेशन यहाँ के गवर्नर होंगे ओके। 27th है स्टेट है नागालैंड, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो एंड गवर्नर है जगदीश मुखी, जिन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, नागालैंड ओके। तो नाग ना, अब किसी को नाग ने काट लिया, तो कहाँ काटा, कोहनी पे काट लिया, तो अगर जल्दी से इलाज नहीं कराया ना तो भैया वो नहीं पता कब तक जिंदा रहेगा, नहीं पता यानी कि कब वो मर जाए, तो नहीं रही हो, नहीं पता। सो नेफ्यू रियो है ना, तो जब अगर डेथ हो जाएगी किसी की नाक काटने से ना, तो घर वाले बेचारे का मुंह ही देखते रहेंगे, और देख देख के मुंह खुसकर रोएंगे। सो नागालैंड यानी कि नाग ने काटा कहाँ पे, कोहनी यानी कि कोहिमा, चीफ मिनिस्टर यानी कि नेफ्यू रियो ओके, और गवर्नर जगदीश मुखी, राइट। नेक्स्ट है सिक्किम, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर है गंगा प्रसाद। अब सिक्किम यानी कि सिक्का, और सिक्के को कहाँ डालते हैं ना, मन्नत मांग के ना गंगा में डालते हैं सिक्किम को, तो गंगा यानी कि गंगटोक ओके। अब ना अगर गंगा को आपने साफ सुथरा नहीं रखा ना, प्रेम से नहीं रखा, तो गंगा मैया ना प्रसाद भी नहीं देंगी, फिर अच्छा प्रसाद नहीं देंगी, तो गंगा को कैसे रखना है, प्रेम से साफ सुथरा रखना है, तो प्रेम सिंह तमांग, वरना प्रसाद भी नहीं मिलेगा, तो गंगा प्रसाद हो जाएंगे यहाँ के गवर्नर ओके। अब गवर्नर भी रिलेट कर रहे हैं किससे, यहाँ के कैपिटल से, गंगा से, तो सिक्का कहाँ डालेंगे, गंगा में, और गंगा के चीफ मिनिस्टर कौन है, प्रेम सिंह तमांग, अगर गंगा को साफ नहीं रखा तो, यानी गंगा को प्रेम से रखना है, और साफ नहीं रखा ना तो गंगा माता प्रसाद भी नहीं देंगी, सो गंगा प्रसाद, राइट। तो जितने भी अब यूनियन टेरेटरीज हैं उनके हम सीएम एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर को देखने वाले हैं। सो फर्स्ट जो यूनियन टेरेटरी है सबसे फेमस वो है दिल्ली। सो दिल्ली के सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल, और इन्हें तो सब जानते ही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, अनिल बैजल हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मेन आपको ध्यान रखना है अनिल बैजल, तो दिल्ली में जो भी जाता है ना, तो दिल्ली का जो कल्चर है उसमें बिल्कुल उसके जाल में फंस जाता है, ठीक है, तो जाल में फंस जाता है यानी कि अनिल बैजल ओके। नेक्स्ट है लद्दाख, और अभी तक यहाँ पे सीएम कोई अपॉइंट नहीं किया गया है, ये पोस्ट अभी तक वैकेंट है, और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है, राधा कृष्णा माथुर। किसकी बात हो रही है, लद्दाख, लद यानी कि लाडला है ना, तो कृष्ण जी ना लाडले थे, तो कृष्ण जी लाडले थे कहाँ के, मथुरा के, सो राधा कृष्णा माथुर ओके। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर, अब यहाँ की भी जो सीएम पोस्ट है वैकेंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा है ओके। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर में ना हर दिन कोई ना कोई सीन लगा रहता है, तो हर दिन कोई ना कोई सीन यानी कि मनोज सिंह सिन्हा, राइट।
नेक्स्ट है चंडीगढ़ एंड चंडीगढ़ की कैपिटल है बनवारी लाल पुरोहित और ये कौन है एडमिनिस्ट्रेटर है यहाँ के। अब चंडीगढ़ के कौन है बनवारी लाल पुरोहित, ओके चंडीगढ़ किसकी कैपिटल थी पंजाब की कैपिटल थी तो बिल्कुल सेम है दोनों के राइट। नेक्स्ट है पौंडीचेरी एंड पौंडीचेरी के सीएम है एन रंगास्वामी और लेफ्टिनेंट गवर्नर है तमिल साई सुंदरराजन जिन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है ठीक है। अब क्या लिखा है ना यहाँ पे पौंडीचेरी चेरी है ना, तो आजकल चेरी को ना बहुत ज़्यादा रंग मिला के बेचा जाता है तो रंग मिला के यानी कि रंगास्वामी अब ना पूरे पौंड में चेरी ही चेरी है तो क्या बोल रहे हैं सब मिल बाट के खा लो सब मिल बाट के यानी कि सब मिल के खा लो तो तमिल साई सौंदराजन और इन्हें भी ना एडिशनल चार्ज दिया गया है ठीक है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप एंड लक्षद्वीप के भी कोई सीएम अभी तक अपॉइंट नहीं हुए हैं, यहाँ के भी जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ओके। अब आप यहाँ पे देखो ना लक्षद्वीप एंड दादर नगर हवेली एंड दमन द्वीप के बिल्कुल सेम है एडमिनिस्ट्रेटर, दोनों के बिल्कुल ज़्यादा सेम है तो हमें कैसे ध्यान रखना है लक्ष्य है ना, तो जिसका लक्ष्य सेट है ना जिसका लक्ष्य फुल सेट है तो वो फुल ना अपने पढ़ाई पे मस्त ध्यान दे रहा होगा है ना, तो फुल अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहा होगा यानी कि प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ठीक है। और वो फुल क्यों ध्यान देगा जिससे ना अपने दादा और पूरे अपने घर वालों को ना प्राउड फील करा पाए, तो सो दादर नागर हवेली एंड दमन दीव के भी कौन है एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल हैं ठीक है। अब यहाँ किसकी बात हो रही है अंडमान एंड निकोबार की, तो अंडमान से क्या याद रखना अंडा है ना, तो जो देव लोग होते हैं ना क्या वो अंडा खाते हैं, अरे बाप रे बिल्कुल नहीं खाते, तो अंडा कौन नहीं खाता देव लोग, सो देवेंद्र कुमार जोशी ओके। सो आज हमने कंप्लीट कर लिया है जितने भी स्टेट्स हैं एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उनके सीएम गवर्नर एंड कैपिटल को एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। सो आज के इसी वीडियो से ना हम कुछ क्वेश्चंस इसमें से करेंगे ताकि हम देखेंगे हमारे दिमाग में वो ट्रिक फिट हुई है कि नहीं हुई है ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है ना नागालैंड लिखा है, सो नागालैंड की कैपिटल क्या थी, तो नाग ना हमें कहाँ पे काट लिया, अरे यार नाग ना कहाँ पे काट लिया। अब अगर आपके पास ऑप्शंस होंगे ना फिर तो आप बिल्कुल झट से टिक कर लोगे, लेकिन यहाँ पे मैंने जानबूझ के ऑप्शंस नहीं रखे ताकि हमारी ट्रिक ना स्ट्राइक कर पाए हमारे माइंड पे। कहाँ पे काटा नाग ने हमें, कोहनी पे काटा यानी कि क्या हो जाएगी कैपिटल हमारी कोहिमा। अब जब कोहनी पे काट लिया ना तो यार अगर जल्दी से इलाज नहीं हुआ ना तो भैया पता नहीं बचोगे कि नहीं, फिर ना रहोगे कि नहीं रहोगे, तो क्या हो गए सीएम यानी कि कौन था सीएम रहोगे कि नहीं यानी कि नेफ्यू रियो ओके। अब ना गवर्नर की बात हो रही है, अब रहोगे कि नहीं रहोगे ना, तो अगर वो बेचारा मर जाएगा तो उसके घर वाले उसका क्या करेंगे मुंह देख देख के रोएंगे, तो मुंह देख देख के रोएंगे उसका मुख, तो कौन थे जगदीश मुखी थे है ना। अब नेक्स्ट है ना रमेश बैस ओके, तो किसकी बात हो रही है बैस यानी कि बहस, बहस यानी कि झारखंड से है ना, तो हमने कैसे याद किया था झारखंड झाड़ फूक यानी कि अगर किसी पे ना भूत चढ़ गया भैया, अगर किसी पे भूत चढ़ गया तो बस हमें फटाफट से ना रन करके यानी कि रांची रन करके किसको बुलाना पड़ेगा झाड़ फूक वाले को बुलाना पड़ेगा, माता के पास लेना जाना पड़ेगा यानी कि हेमंत सोरेन ओके, जिससे ना भूत ना बहस नहीं करेगा, सो रमेश बैस ओके। आई होप आप लोग को ध्यान आ रहा होगा राइट। अब नेक्स्ट है ना सीएम कहाँ के जोरमथंगा ठीक है, तो जोर कहाँ पे लगा रहे थे, तो कौन सा सीएम जोर लगा रहा था मिजोरम, तो मिजोरम जोर कहाँ लगा रहे हैं वॉल पे, सो कैपिटल क्या हो जाएगी फिर इसकी इम्फाल, इम्फाल यानी कि वॉल ओके। और गवर्नर कौन हो जाएंगे इसके, अब कमबख्त मैं तो हार गया, सो कौन हो गए थे इसके गवर्नर हरी बाबू कामा भामापति, तो इनका सरनेम क्या था खूब लंबा सा सरनेम था ना इनका कामा भामापति, कामा भामापति ओके। नेक्स्ट है के चंद्रशेखर राव, अब के चंद्रशेखर राव ना कहाँ के सीएम थे, तो चंद्र यानी कि छन, तो क्या चीज़ छाने की बात हो रही थी, तो किस में छाना जाता है तेल में, तो कौन सा स्टेट तेलंगाना है ना, तेल में क्या छान रहे हैं हैदराबादी बिरयानी को बना रहे हैं, सो हैदराबादी, और क्या छान रहे हैं राई को, सो तमिल साई राई है ना तमिल साई राइट सौंदराजन। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे पंजाब की है ना, तो पंजाब तो पंजाब तो पंजाब की कैपिटल क्या है, तो जॉब लग गई ना तो भैया पंजाब की कैपिटल क्या हो जाएगी चंडीगढ़, और जॉब लगते ही ना तो बस किसको याद करेंगे मन से भगवान को याद करेंगे है ना, श्री भगवान सिंह मान थे ना इसके सीएम जो अभी न्यू अपॉइंट हुए श्री भगवान सिंह मान, और गवर्नर किसे बनवारी लाल यानी कि भगवान को क्या कहेंगे भगवान आपने मेरी ना लाइफ बना दी यानी कि बनवारी ओके। नेक्स्ट है गवर्नर कौन थावर चंद गहलोत, तो थावर चंद यानी कि टावर है ना, टावर कौन लगवा पाएगा जिसके पास ना कार होगी है ना, जिसके पास कार होगी जिसके पास बस होगी, जिसके पास कार हो बंगला हो बस हो, सो कर्नाटक कैपिटल क्या थी बंगला यानी कि बेंगलोर, अब बस हो यानी कि श्री बस व राजबोमई है ना, और जिसके पास टावर हो यानी कि थावर चंद गहलोत राइट। सो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से अब याद हो गया होगा बिल्कुल पक्के से। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें शेयर करें कमेंट करके बताएं, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।